ओम शांति। 23/6/2022 की साकार मुरली। मीठे बच्चे, यहाँ के करोड़ अरब तुम्हारे काम नहीं आने हैं, सब मिट्टी में मिल जाएगा, इसलिए तुम अब सचखंड के लिए सच्ची कमाई करो। प्रश्न, किस एक बात के कारण तुम ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच माने जाते हो? उत्तर, हम ब्राह्मण अभी सर्व की रूहानी सेवा करते हैं। हम सभी आत्माओं का मिलन परमात्मा बाप से कराते हैं। यह पब्लिक सेवा देवताएं नहीं करते, वहां तो राजा रानी तथा प्रजा हैं, जो यहाँ का पुरुषार्थ किया है उसकी प्रारब्ध भोगते हैं, सेवा नहीं करते। इसलिए तुम सेवाधारी ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे हो। ओम शांति। यह किसकी सभा लगी हुई है? जीव आत्माओं और परमात्मा की। जिनको शरीर है उनको कहा जाता है जीव आत्मा, वो मनुष्य हुए और उन्हें परमात्मा कहते हैं। जीव आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, इसको मंगल मिलन कहा जाता है। बच्चे जानते हैं परमपिता परमात्मा को जीव आत्मा नहीं कह सकते, क्योंकि वो लोन लेते हैं, तन का आधार लेते हैं। खुद आकर कहते हैं, बच्चे मुझे भी इस प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, मैं गर्भ में तो जाता नहीं हूं, मैं इसमें प्रवेश कर तुमको समझाता हूं। तुम जीवात्माओं को तो अपना अपना शरीर है, मेरा अपना शरीर नहीं है, तो यह न्यारी सभा हुई ना। ऐसे नहीं कि यहाँ कोई गुरु चेले व शिष्य बैठे हैं, नहीं, यह तो स्कूल है। ऐसे नहीं कि गुरु के पीछे गद्दी मिलनी है, गद्दी की बात नहीं। बच्चों को निश्चय है कि हमें कौन पढ़ाते हैं, बिगर निश्चय कोई भी नहीं आ सकता। जीवात्माओं का वर्ण है ब्राह्मण वर्ण, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा परमपिता परमात्मा रचना रचते हैं। तुम जानते हो हम ब्राह्मण हैं, सबसे सर्वोत्तम, देवताओं से भी उत्तम। देवताएं कोई पब्लिक सेवा नहीं करते हैं, वहां तो यथा राजा रानी तथा प्रजा हैं, जो अपना पुरुषार्थ किया हुआ है उस अनुसार अपनी प्रारब्ध भोगते हैं, सेवा कोई नहीं करते हैं, ब्राह्मण सेवा करते हैं। बच्चे जानते हैं हम बेहद के बाप से हूबहू 5000 वर्ष पहले मुआफिक राजयोग सीख रहे हैं। तुम बच्चे ठहरे, यहाँ चेले चाटी की बात नहीं। बाप घड़ी घड़ी बच्चे बच्चे कहकर समझाते हैं, तुम अभी आत्माभिमानी बने हो। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। शरीर को कपड़ा कहा जाता है, यह मूतपलीती कपड़ा है, क्योंकि आत्मा आसुरी मत पर विकारों में जाती है, पतित बनती है। पावन और पतित अक्षर निकलता ही है विकार से। बाप कहते हैं, अब ज्यादा पतित मत बनो, अभी सब रावण की जंजीरों में फंसे हुए हैं, क्योंकि यह है रावण राज्य। तो बाप तुम्हें रावण राज्य से लिबरेट कर राम राज्य में ले जाते हैं। गॉडफादर इज लिबरेटर कहते हैं, मैं सबको दुख से छुड़ाए वापस शांति धाम में ले जाता हूं। वहां जाकर फिर नए सिर आए बच्चों को अपना पाठ रिपीट करना है। पहले पहले पाठ रिपीट करना है देवताओं को, वही पहले थे। अब गोया ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। कलयुग का विनाश सामने खड़ा है, बड़े अंधेरे में पड़े हैं। भल पदमपति करोड़पति हो गए हैं, रावण का बड़ा पॉम्प है, इसमें ही ललचायमान हो गए हैं। बाप समझाते हैं, यही झूठी कमाई है जो सारी मिट्टी में मिल जाएगी, उनको हासिल कुछ भी नहीं होना है। तुम तो भविष्य 21 जन्मों के लिए बाप से वर्षा लेने आए हो, यह है सचखंड के लिए सच्ची कमाई। सबको वापस जाना ही है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाप कहते हैं, सबका सदगति दाता सतगुरु मैं हूं,
साधुओं का, पतितों का, सबका उद्धार मैं करता हूँ। छोटे बच्चों को भी सिखाया जाता है कि शिव बाबा को याद करो, बाकी और सब चित्र आदि उड़ा दो, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। तुम जानते हो हम बाप से फिर से बेहद सुख का वर्षा लेने आए हैं। हद के बाप से हद का वर्षा तो जन्म जन्मांतर लिया है। रावण की आसुरी मत पर पतित बनते आए हैं। मनुष्य इन बातों को समझते नहीं है। रावण को जलाते हैं तो जलकर खत्म हो जाना चाहिए ना। मनुष्य को जलाते हैं तो उनका नाम रूप सब खत्म हो जाता है। रावण का नाम रूप तो गुम होता ही नहीं है, फिर जलाते रहते हैं। बाप कहते हैं यह 5 विकार रूपी रावण तुम्हारा 63 जन्मों का दुश्मन है, भारत का दुश्मन माना हमारा हुआ। जब वाम मार्ग में आए तब रावण की जेल में पड़े। बरोबर आधा कल्प से रावण राज्य है। रावण जलता ही नहीं, मरता ही नहीं। अभी तुम जानते हो रावण के राज्य में हम बहुत दुखी हुए हैं। सुख और दुख का यह खेल है। गाया भी जाता है माया से हारे हार, माया से जीते जीत। अब माया को जीतकर हम फिर राम राज्य लेते हैं। राम सीता का राज्य तो त्रेता में है, सतयुग में है लक्ष्मी नारायण का राज्य। वहां तो है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म, उनको ईश्वरीय राज्य कहेंगे जो बाप ने स्थापन किया है। बाप को कभी सर्वव्यापी नहीं कह सकते हैं, ब्रदरहुड है। बाप एक है, तुम सब आपस में भाई भाई हो। बाप बेटा आत्माओं को पढ़ाते हैं। बाप का फरमान है कि मुझे याद करो, मैं आया हूँ भक्ति का फल देने। किसको? जिन्होंने शुरू से लेकर अंत तक भक्ति की है। पहले पहले तुम एक शिव बाबा की भक्ति करते थे। सोमनाथ का मंदिर कितना जबरदस्त है। विचार करना चाहिए कि हम कितने साहूकार थे, अभी गरीब कौड़ी मिसल बन गए हैं। अभी तुमको 84 जन्मों की स्मृति आई है। अभी तुम जानते हो कि हम क्या से क्या बने हैं। अभी तुमको स्मृति आई है। स्मृति लब्धा अक्षर भी अभी का है। इसका मतलब यह नहीं समझना चाहिए कि भगवान ने आकर संस्कृत में गीता सुनाई है। संस्कृत होती तो तुम बच्चे कुछ नहीं समझते। हिंदी भाषा ही मुख्य है। जो इस ब्रह्मा की भाषा है उस भाषा में ही समझा रहे हैं। कल्प कल्प इसी ही भाषा में समझाते हैं। तुम बच्चे, तुम जानते हो हम बाप दादा के सामने बैठे हैं। यह घर है, मम्मा बाबा बहन और भाई, बस और कोई संबंध नहीं। भाई बहन का संबंध तब है जब प्रजापिता ब्रह्मा के बने हो, नहीं तो आत्मा के संबंध से तो भाई भाई हैं। बाप से वर्षा मिल रहा है, आत्मा जानती है हमारा बाबा आया हुआ है। तुम ब्रह्मांड के मालिक थे, बाप भी ब्रह्मांड का मालिक है ना। जैसे आत्मा निराकार है वैसे परमात्मा भी निराकार है। नाम ही है परमपिता परमात्मा, अर्थात परे ते परे रहने वाली आत्मा। परमात्मा का अर्थ है परमात्मा। पिता से वर्षा मिलता है। यहाँ कोई साधु संत महात्मा नहीं, बच्चे हैं, बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं और कोई वर्षा दे ना सके। बाप है सतयुग की स्थापना करने वाला। बाप सदैव सुख ही देते हैं, ऐसे नहीं कि सुख दुख बाप ही देते हैं, ऐसा लॉ नहीं है। बाप स्वयं बताते हैं मैं तुम बच्चों को पुरुषार्थ कराता हूँ 21 जन्मों के लिए, सो देवता बनो। तो सुखदाता हुआ ना, दुख हरता सुख करता। अभी तुम जानते हो दुख कौन देते हैं? रावण। इसको कहा जाता है विकारी दुनिया। स्त्री पुरुष दोनों विकारी हैं। सतयुग में दोनों निर्विकारी थे। लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, वहां कायदे से राज्य चलता है। प्रकृति तुम्हारे ऑर्डर में चलती है, वहां कोई उपद्रव हो नहीं सकता। तुम बच्चों ने स्थापना के साक्षात्कार किए हैं, विनाश भी होना है जरूर। होलिका में सॉन्ग बजाते हैं ना,
पूछते हैं इनके पेट से क्या निकलेगा। तो कहा मूसल, राइट बात तो तुम जानते हो, साइंस उन्हों की कितनी तेज है, बुद्धि का काम है ना, साइंस का कितना घमंड है, कितनी चीजें एरोप्लेन आदि बनाते हैं सुख के लिए, फिर इन चीजों से विनाश भी करेंगे, पिछाड़ी में अपने कुल का ही विनाश करेंगे। तुम तो हो ही गुप्त, तुम कोई से लड़ाई लड़ने वाले नहीं हो, किसको दुख नहीं देते हो। बाबा कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा कोई को दुख नहीं देना है। बाप कभी किसको दुख देते हैं? बाबा कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा कोई को दुख नहीं देना है। बाप कभी किसको दुख देते हैं? सुखधाम का मालिक बनाते हैं। तुम भी सबको सुख दो। बाबा ने समझाया है कोई कुछ भी कहे, शांत में हर्षित मुख रहना चाहिए, योग में रह मुस्कुराते रहना चाहिए, तुम्हारे योग बल से वह भी शांत हो जाएंगे। खास करके टीचर की चलन बड़ी अच्छी चाहिए, कोई से भी घृणा ना रहे। बाप कहते हैं मुझे थोड़े ही किसी से घृणा है, जानते हैं सब पतित हैं, यह ड्रामा बना हुआ है, जानता हूं इनकी चलन ही ऐसी है, खान पान कितना मलेच्छ का है, जो आता है वह खाते रहते हैं, लाइफ सबको प्यारी लगती है, लाइफ हमको भी बहुत प्यारी लगती है, जानते हैं इससे हमको बाबा से वर्षा पाना है, योग में रहने से तुम्हारी आयु बढ़ेगी, विकर्म कम होंगे, भविष्य 21 जन्मों के लिए आयु बड़ी हो जाएगी, पुरुषार्थ अभी का है जिससे फिर प्रारब्ध बनती है, योग बल से हम हेल्दी बनते हैं, ज्ञान से वेल्दी, हेल्थ वेल्थ है तो सुख है, सिर्फ वेल्थ है, हेल्थ नहीं तो भी सुख नहीं रह सकता। ऐसे बहुत राजाएं बड़े बड़े साहूकार हैं परंतु लंगड़े बीमार, उनको कहा जाता है ऐसे विकर्म किए हैं जिसका फल मिला है। बाप तुमको सुनाते तो बहुत है, ऐसे नहीं बाहर जाने से यहाँ का यहाँ रह जाए, यह तो नहीं होना चाहिए ना, धारणा करनी है और कुछ याद ना पड़े। अच्छा शिव बाबा को याद करो, अंदर बड़ी गुप्त महिमा करनी है। बाबा यह मन चित्त में भी नहीं था कि आप आकर पढ़ाएंगे, यह बात कोई शास्त्रों में भी नहीं है कि निराकार परमपिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। बाबा अब हम जान गए, बाप के बदले कृष्ण का नाम डालने से गीता खंडन हो गई, कृष्ण के तो चरित्र हो न सके, गीता है इस संगम का शास्त्र, उन्होंने फिर द्वापर में दिखा दिया है। तो बाप कहते हैं कि बच्चे और सब बातों को छोड़ पढ़ाई पर ध्यान रखना है, बाप की याद ना रहे, पढ़ाई में मस्त ना रहे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, तुम्हारा टाइम मोस्ट वैल्यूएबल है, इसलिए वेस्ट नहीं करना चाहिए, शरीर निर्वाह भल करो, बाकी फालतू ख्यालातों में टाइम नहीं गवाना चाहिए, तुम्हारा सेकंड सेकंड हीरे जैसा वैल्यूएबल है। बाप कहते हैं मन मना भव, बस वही टाइम फायदे वाला है, बाकी टाइम वेस्ट जाता है, चार्ट रखो कि हम कितना समय वेस्ट गवाते हैं, अक्षर ही एक है मन मना भव, आधा कल्प जीवन मुक्ति थी, फिर आधा कल्प जीवन बंध में आए, सतो प्रधान सतो रजो तमो में आए, फिर हम जीवन मुक्त बन रहे हैं, बनाने वाला बाप ही है, सबको जीवन मुक्ति मिलती है, अपने अपने धर्मानुसार पहले पहले सुख देखेंगे फिर दुख, नई आत्माएं जो पहले आती हैं वह सुख भोगती हैं, कोई की महिमा निकलती है क्योंकि नई सोल होने के कारण ताकत रहती है, तुम्हारे अंदर खुशी के बाजे बजने चाहिए, हम बाप दादा के सामने बैठे हैं, अब नई रचना हो रही है, तुम्हारी इस समय की महिमा सतयुग से भी बहुत बड़ी है, जगत अम्बा देवियां सब संगम में थी, ब्राह्मण थे, तुम जानते हो अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता पूजनीय लायक बनेंगे, फिर तुमको यादगार मंदिर बन जाते हैं, फिर तुम्हारे यादगार मंदिर बन जाते हैं, तुम चैतन्य देवियां बनती हो,
वह तो जड़ हैं। उनसे पूछो यह देवी कैसे बनी। अगर कोई बात करे तो समझाओ कि हम सो ब्राह्मण थे, फिर हम सो देवता बनते हैं। तुम चैतन्य में हो, तुम बतलाते हो यह नॉलेज कितनी फर्स्ट क्लास है, बरोबर तुम स्थापना कर रहे हो। बच्चे कहते हैं, बाबा हम लक्ष्मी नारायण से कम पद नहीं लेंगे, हम तो पूरा वर्षा लेंगे। यह स्कूल ही ऐसा है, सब कहेंगे हम आए हैं प्राचीन राजयोग सीखने के लिए। योग से देवी देवता बनते हैं, अभी तो शूद्र से ब्राह्मण बने हो, फिर ब्राह्मण से देवता बनेंगे। मूल बात ही है याद की, याद में ही माया विघ्न डालती है। तुम बहुत कोशिश करेंगे फिर भी बुद्धि कहाँ ना कहाँ चली जाएगी, इसमें ही सारी मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाप समान सुखदाता बनना है। मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना है। सदा शांत चित्त और हर्षित मुख रहना है। दूसरा, फालतू ख्यालातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है, बाप की अंदर से महिमा करनी है। वरदान श्रेष्ठ मत प्रमाण, हर कर्म कर्मयोगी बन करने वाले, कर्म बंधन मुक्त भव। जो बच्चे श्रेष्ठ मत प्रमाण हर कर्म करते हुए बेहद के रूहानी नशे में रहते हैं, वह कर्म करते कर्म के बंधन में नहीं आते, न्यारे और प्यारे रहते हैं। कर्मयोगी बनकर कर्म करने से उनके पास दुख की लहर नहीं आ सकती, वे सदा न्यारे और प्यारे रहते हैं। कोई भी कर्म का बंधन उन्हें अपनी ओर खींच नहीं सकता, सदा मालिक होकर कर्म कराते हैं, इसलिए बंधन मुक्त स्थिति का अनुभव होता है। ऐसी आत्मा स्वयं भी सदा खुश रहती है और दूसरों को भी खुशी देती है। स्लोगन, अनुभवों की अथॉरिटी बनो तो कभी धोखा नहीं खाएंगे। अच्छा, ओम शांति। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। आप दृष्टि यूं ही